Hello guys, welcome back to our channel. This is Sada Sham and this is Zoran Akhtar. As you know, हम फिर से हाजिर है। कल इसने बंदा बदल लिया था तो मैंने इसको स्पेशली कॉल की थी। मैंने कहा था भाई मुझे दोबारा वापस लेकर, मैं आप लोगों के बिना उदास हो चुका हुआ था, तो इसलिए मैंने वापस आने का फैसला किया। और सुनाए आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ बस वो ठीक है, तुम सुनाओ कैसा रहा? बहुत बुरा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक, और बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो आज की वीडियो है, आज आपका होस्ट ये बना हुआ है, आई थिंक आज की जो वीडियो है वो लॉजिकल बकवास चैनल से है। बहुत शुक्रिया इनका भाई। ठीक है, बहुत बहुत इनका शुक्रिया। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ये इनका चैनल ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो का नाम व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैच की बात नहीं हो रही, रिव्यूज़ की बात हो रही है कि वहाँ के रिव्यूज़ क्या हैं। चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 and start. Hey, what's up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Bakwas. And today I am with Bhavna. So guys, आज हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे their views on Pakistan. So without wasting any time, let's get started. पहले बता दूँ, दो तरह के reviews होते हैं हर बंदे, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गुस्सा मत करना। Positive and negative. What is the first thing that comes to your mind when I say Pakistan? Beautiful women. MashaAllah. सच कह रही, सच बोल रही है। टेररिस्ट मोहम्मद हफीज, आतंकवाद। ब्यूटीफुल हिल्स एंड माउंटेन्स एंड दे टुक द फर्टाइल रीजन ऑफ पंजाब थैंक्स टू मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान को यही सुन के आता है कि पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान वाले से जो लड़ाई कर रहा है, ये लड़ाई बहुत गलत कर रहा है, लड़ाई उसे करना नहीं चाहिए। आई गेस आतिफ असलम, कोक स्टूडियो एंड आई बेसिकली वेंट टू पाकिस्तान थ्रू म्यूजिक ओनली। So I prefer Atif and their cricket team as well as their Nusrat Fateh Ali Khan ka bhi naam le lo yaar, please. Not the side of that negative favorite section. Criminals. Criminals? Yeah, terrorists. Aur kuch tere bare mein baat hai? Oh, I don't like their people. यार मेरे को वहाँ के बिल्कुल लोग पसंद नहीं है, मैं कभी जाना नहीं चाहती पाकिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे वहाँ से डर लगता है पाकिस्तान से। ऐसा क्यों? हम आए थे, इतने क्यूट बंदे नजर नहीं आ रहे, जो होते हैं ना वो पाकिस्तान से ही होते हैं। Do you know the meaning of Pakistan? ज्यादा हो गई है पाकिस्तान। No, I don't think so. पाकिस्तान का मतलब? हाँ पाकिस्तान का मतलब पता है क्या है? पाकिस्तान एक दूसरा देश है। प्योर लैंड पाकिस्तान की मीन स्वच्छ, साफ सुथरा, प्योर। सही कहा। पाकिस्तान का मतलब है पाक स्थान, मतलब कि जहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं हो, प्योर एकदम। पाकिस्तान का मतलब पता है क्या होता है? पाकिस्तान वर्ल्ड का मतलब नहीं पता। पाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब पता नहीं सर, मैं खुद पाकिस्तानी। कहाँ से? पाकिस्तान से। कहाँ? पाकिस्तान में कहाँ से? यहाँ से क्या है? पाकिस्तान नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से। नहीं पता मुझे यार, नाम हमारे शहर का बोल देगा। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कराची। नो कैपिटल? लाहौर। नो लाहौर। लाहौर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। इंफॉर्मेटिव ये तो बता दो, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है? मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद नहीं पता आपको? और आप पाकिस्तान से बताओ यार। नेम फ्यू सिटीज ऑफ पाकिस्तान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। आई डोंट नो। अबू धाबी शायद। अबू धाबी शायद यार, इनोसेंट बन गया। और इस्लामाबाद, अबू धाबी और लाहौर। लाहौर लाहौर पाकिस्तान में। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, कराची एंड कराची। पेशावर बिकॉज़ ऑफ फरीदी। आपको पाकिस्तान के बारे में सिटी और स्टेट के नाम बता दो पाकिस्तान के। भाई नहीं पता। नहीं पता? इस्लामाबाद हो गया। हाँ पाकिस्तान हो गया। भाई मुझे नहीं, पाकिस्तान सिटी है? सिटी नहीं है, इस्लामाबाद हो गया ना। और आप कह रहे हो ये भाई आए? ये भाई आपने पाकिस्तानी बोला? कोई नहीं भाई, वो बताएंगे। पाकिस्तान में तो हुए भाई में। सही है, पाकिस्तानी भाई में। उर्दू और इंग्लिश के अलावा वहाँ पे और कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी मेनली, पंजाबी, पंजाबी, हिंदी आल्सो, इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड, इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोली जाएगी। और
और कौन सी कश्मीरी कश्मीरी हाँ कश्मीरी कश्मीरी पी ओके इंग्लिश तो बोलते ही होंगे इतनी तो उम्मीद है उनसे भी पंजाब गया तो पंजाबी भी बोलते होंगे पंजाबी भी बोली जाती है बिल्कुल वी आर पंजाबी वैसे तो इस्लामिक स्टेट है वो बट हाँ हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश आपको मौका दिया जाए पाकिस्तान घूमने का तो आप जाओगे एनी स्पेसिफिक रीजन भाई जैसे इंडिया एक कंट्री है बिन के चलो पाकिस्तान सेपरेट हो गया बट है वहाँ के लोग भी ऐसा नहीं है कि आप एक टेररिज्म से उसको बेसिकली डिफाइन कर दो जैसे लोग आए वैसे लोग आए सो व्हाई नॉट वहाँ पे यार वहाँ पे वो अपने लोगों को नहीं सोच पाते तो अरे वो कौन बंदा था जिसके ऊपर एक मूवी आई थी ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की वो वाला केस ना हो तो मैं जाऊंगा क्योंकि उसको भी वही मजे में पकड़ लिया था उसको टॉर्चर करा गया मेरी फट गई थी देखकर तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ वो वैसे मैं जाना चाहूंगा है कि लाहौर बहुत सुंदर है जेनुइनली मैंने किताबों में सुना या कहीं सुना है कि लाहौर काफी सुंदर है उसके वहां मीनार जैसे हमारे कुतुब मीनार शायद लाहौर मीनार है करके उसके बारे में सुना शायद मैं वो देखना जरूर चाहूंगा लोगों का कल्चर ही पता चलेगा और ये पता चलेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इज वन थिंग दैट यू लव अबाउट पाकिस्तान बट हर कंट्री का ब्लैक साइड और अच्छी साइड होती है होता है सो अच्छा है बट सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मैं भी नहीं जाना चाहूँगा एक आप मैसेज क्या देना चाहोगे अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन वीडियो देख रहा है पाकिस्तान हो चाहे भारत हो आपस में सब भाई भाई हैं कोई ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है लड़ाई दंगा फसाद इसी चीज़ का मैसेज देना चाहूँगा देखो हम तो यही कहेंगे जो उसे लड़ना नहीं चाहिए जो भी कुछ हो गया वो अपने जगह पे अपने रहे मैं अपने जगह पे अपने रहूँ बिल्कुल बात खत्म वो भी अपना सही ढंग से जिए और मुझे भी जीने दे क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये बात करी तो लड़ने झगड़ने के इसमें कोई बात फिर से बोल दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई तो इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं सो या गाइस दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग And I hope you guys liked it. Make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. And share this video. And subscribe. Logical. यार उस subscribe वाला ना घंटा बजा देना. जरूर जरूर. घंटा बजा देना जरूर. Please. Notification आ जाएगी. हमारा भी घंटा बजा देना. हमारा भी घंटा बजा दें please. और अच्छे-अच्छे comments किया करें और हमें आप बताएं कि हम next reviews किन videos पे दें. नहीं यार अभी नेक्स्ट रिव्यूज जो है ना वो मैंने डिसाइड किए हैं कुछ तीन चार वीडियोस हैं उसके बाद लेकिन आप लोग कमेंट्स में भी बताते जाएं क्योंकि हम आगे फर्दर उन पे देंगे हाँ एक और चीज क्या नहीं पता नहीं मुझे भी पता है बताओ वो ये कि हर जगह पे ना दो तरह के लोग होते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो इन यहाँ पर भी इस वीडियो में भी कुछ पॉजिटिव थे और बहुत अच्छा लगा उनको भी देख के और ज़ाहिर है कुछ नेगेटिव पीपल होते हैं मीडिया ज़्यादातर जो है ना वो नेगेटिविटी फैलाता है और मीडिया में भी सारे चैनल्स ऐसे नहीं होते हैं हमारे यहाँ भी कुछ चैनल्स नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके यहाँ भी कुछ फैलाते होंगे ज़्यादातर जो है पॉजिटिव हमें मैसेज देखने को मिला और हमारे यहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा तो कोई यार इतनी वो नहीं है जो लड़ाई झगड़ा है वो गवर्नमेंट के दरमियान है और आवाम के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है आपके भाई हैं आप लोग हमारे भाई हैं हम लोग पीस चाहते हैं ना तो यहाँ कोई टेररिस्ट मौजूद है हमें देख ले हमारी शक्लें टेररिस्ट बन गए हैं नहीं नहीं तो फिर इस तरह कोई इशू नहीं है हम लोग भी आज़ाद कंट्री हैं आपकी तरह और हर बंदे का अपना राइट है इसलिए देखिए टेररिज्म का रिलीजन से कोई या कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है टेररिस्ट तो वो एक अलग फील्ड बना लें आप अलग रिलीजन बना लें कुछ भी नहीं है वो टेररिस्ट तो इंसान ही नहीं है ठीक है उनको तो आप ना मुसलमान कहें ना इंसान कहें ना हिंदू कहें ना कुछ कहें उनको कुछ भी ना कहें उनको बस छोड़ दें इनकी वीडियो को भी लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे कुछ हम भी पब्लिक रिलेशन रिएक्शन सॉरी रिएक्शन बनाएं आप अगर चाहते हैं कि हम लोग कुछ टाइम बाद पाकिस्तानी आवाम के व्यूज लें इंडिया के मुतालिक तो आप लोग फिर वो भी कमेंट कर सकते हैं हम लोग भी एक पब्लिक
एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों के रिव्यूज लेंगे अबाउट इंडिया। और बस ये दुआ करो कि यार उधर भी इधर भी पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है ना कोरोना, इससे ये मुक जाए यार हमारा लॉकडाउन में हम लोग ना कसम से लॉकडाउन में हम लोग बोर हो गए हैं, दिमागी तौर पे ना हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप लोग भी हो चुके होंगे। बहरहाल इसलिए हम लोग आपको एंटरटेन करने के लिए आए हैं। तो काइंडली प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है ठीक है, पीस।